अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन दिस इज़ योर मैथ्स वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू नो हाउ वी कैन चेंज नंबर्स इनटू परसेंटेज हाउ वी कैन चेंज द डेसिमल इनटू परसेंटेज और हाउ वी कैन चेंज एनी परसेंटेज इनटू डेसिमल सो फर्स्ट टॉपिक इज हाउ वी कैन चेंज एनी नंबर इन्टो परसेंटेज हमेशा याद रखना कभी भी किसी भी वैल्यू को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो यू शुड मल्टीप्लाई बाय हंड्रड सिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा सिक्स हंड्रेड यानि कि और आगे परसेंटेज का साइन किसी भी वैल्यू को जब हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई करना है क्यों क्योंकि हंड्रेड को हमने बताया था लास्ट क्लास में भी लास्ट वीडियो में भी कि ये परसेंटेज का साइन का मतलब होता है तो इसको जब भी चेंज करना है तो सिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे हंड्रेड से तो आंसर आ जाएगा सिक्स हंड्रेड परसेंट ऐसे ही ट्वेंटी थ्री को देख लो ट्वेंटी थ्री को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से तो क्या आंसर आ जाएगा ट्वेंटी थ्री हंड्रेड परसेंट आगे इसका सिंबल का निशान आ जाएगा नेक्स्ट है हाउ वी कैन चेंज डेसिमल इनटू परसेंटेज पहले हमने पढ़ा था सिंपल परसेंटेज को किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं सिंपल नंबर को परसेंटेज में अब हम कहेंगे किस कैसे हम किसी भी डेसिमल फॉर्म में परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे हम लोगों ने सेम बताना है कि मल्टीप्लाई किससे करना है हंड्रेड से अब फर्स्ट जैसे एग्जाम्पल आप देखो थ्री पॉइंट नाइन चलो पहले हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल सेवन पॉइंट थ्री नाइन सिक्स मैंने आपको ऊपर फर्स्ट में बताया है कि इसको फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई करते हैं हंड्रेड से जब भी किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना हो तो जब सेवन पॉइंट थ्री नाइन सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड के साथ मैंने आपको बताया था जब भी कोई जीरोज़ uh, की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं इसमें कितने जीरोज़ हैं टू जीरोज़ हैं इसका मतलब है और यहाँ पे पॉइंट जो है वो टू टाइम्स राइट साइड पे मूव कर जाएगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा किस तरह से ये देखें सेवन पॉइंट ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने टू टाइम्स किस पे जंप कर देंगे राइट right साइड पे तो इसका आंसर आ जाएगा सेवन थ्री नाइन पॉइंट सिक्स पॉइंट पहले सेवन के साथ था जब टू टाइम्स इसको जंप किया तो ये किसके साथ चला गया नाइन के राइट right साइड पर चला गया और टू टाइम्स हमने क्यों जंप किया क्योंकि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था हंड्रड से अब ऐसे ही इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं थ्री पॉइंट नाइन की अब यहाँ पर पॉइंट के बाद तो वन वैल्यू है जबकि मैंने कहा था कि टू वैल्यूज़ को जंप करना है क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे हंड्रेड से तो आपने क्या करना है हम ज्यूम करना है कि थ्री पॉइंट नाइन के साथ ज़ीरो लिख देना है अब पॉइंट इजीली मूव कर सकते हैं हम right राइट पे हम टू टाइम्स मूव कर देंगे इसको राइट right पर तो इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा थ्री नाइन ज़ीरो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था हंड्रेड से हंड्रेड में टू ज़ीरो से इसलिए सिंपल इसका आंसर आ गया थ्री नाइन्टी परसेंट ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं लाइक दिस 0.66 इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले किससे हंड्रेड से पॉइंट टू टाइम्स जंप कर देंगे तो इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा सिक्सटी सिक्स परसेंट इस एग्जांपल को देखें इसमें भी हम पॉइंट कितने टाइम्स जंप करेंगे राइट right साइड पे टू टाइम्स तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर एट नाइन्टी वन परसेंट यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है तो हम क्या करेंगे ज़ीरो एक साथ ज्यूम करेंगे लिख लेंगे और सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा सिक्सटी परसेंट और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी कैन चेंज परसेंटेज इंटू डेसिमल हमने लास्ट में पढ़ा था कि किस तरह से हम डेसिमल को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं अब हम लोगों ने सिंपल परसेंटेज को किस तरह से डेसीमल में चेंज करेंगे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में सेवेंटी फाइव को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इस परसेंटेज को हम का, क्या मतलब था हंड्रेड तो नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे हंड्रेड अब सिंपल इसको डेसीमल में कन्वर्ट कर सकते हैं मैंने आपको बताया था कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारी जो डिनोमिनेटर है वो या तो टेन होना चाहिए या पावर ऑफ टेन होना चाहिए नीचे जीरोज़ आ रहे हैं कितने जीरोज़ है टू इसका मतलब है पॉइंट के बाद टू वैल्यूज आना ज़रूरी है तो इसका आंसर क्या होगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव इसको सिंपल हमने डेसिमल में चेंज कर लिया है अब नेक्स्ट देखिए वन फोर्टी परसेंट वन फोर्टी परसेंट इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे वन फोर्टी इज डिवाइडेड बाय हंड्रेड कितने जीरोज़ हैं टू जीरोस अब इसको सिंपल किसमें चेंज करेंगे डेसिमल में तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर वन पॉइंट फोर जीरो ये सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है अब लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट इज हाउ वी कैन चेंज नंबर बाई रिड्यूसिंग इट टू द लोएसट टर्म हमने किस तरह से इसको रिड्यूस करना है कैसे इसको सॉल्व करेंगे पहले जैसे फर्स्ट आपके पास परसेंटेज में ही है थ्री हंड्रेड परसेंट इसको हम लोगों ने किस में चेंज करेंगे पहले फ्रेक्शन में फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करेंगे थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में इस परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा हंड्रेड आप इसको रिड्यूस कैसे करेंगे कटिंग कर देंगे थ्री हंड्रेड के टेबल में थ्री हंड्रेड किस पर आता है थ्री पे तो इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा थ्री हमने रिड्यूस कर दिया इसको ऐसे ही ट्वेंटी फाइव को भी रिड्यूस करना है किस तरह से ट्वेंटी फाइव को पहले हम लिख देंगे फ्रैक्शन में अब ट्वेंटी फाइव के टेबल में हंड्रेड कहाँ पे आता है हम लोगों ने कटिंग करनी है ट्वेंटी फाइव वन ज़ार ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव फोर ज़ार तो इसका सिंपल क्या आएगा फ्रैक्शन में आंसर वन बाई फोर ओके स्टूडेंट्स दिस इज़ योर होमवर्क हाउ वी कैन चेंज दीज परसेंटेज इन टू डेसिमल फॉर्म आपने इन परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है डेसीमल फॉर्म में पहले आप इसको फ्रैक्शन में लेकर आएंगे एंड देन फिर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लेकर आएंगे आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी ओके स्टूडेंट्स टेक केयर अला हाफिज़